अगुवाई में बीजेपी ने 2014 का लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीता। पूरा हिंदुस्तान इस जीत का महानायक नरेंद्र मोदी को ही मानती है, लेकिन पर्दे के पीछे बीजेपी की जीत तय करने में संघ की बड़ी भूमिका भी रही और इस बात से इनकार खुद प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं करते। तो क्या यही वजह है कि एक साल बाद आज राहुल गांधी ने संघ पर सबसे बड़ा हमला बोला और आरोप लगाते हुए कह दिया कि मोदी सरकार देश पर संघ की विचारधारा थोप रही है। बड़ी बहस में यही सवाल पड़ा है कि क्या वाकई देश पर मोदी सरकार संघ की विचारधारा थोप रही है या फिर लोकसभा चुनाव में संघ की वजह से भी हारी कांग्रेस की ये खीज है जो एक साल बाद राहुल की जबान से निकली है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने वाले राहुल गांधी के निशाने पर आज संघ आ गया। एनएसयूआई के कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी ने आरएसएस पर एक से बढ़कर एक चुभते तीर छोड़े। आरएसएस की शाखा को देखिए, उसमें लाइन लगती है, सीधी लाइन होती है बिल्कुल। बंदे ने चू कर दिया उसी के ऊपर लाठी बनता है। एक विचारधारा, अगर आपने किसी आरएसएस या बीजेपी के नेता से बात की है, एक ही विचारधारा है भैया, पूरी दुनिया ऐसी ही चलती है और कुछ है ही नहीं। हजारों सालों से ऐसे चल रही है और हजारों साल बाद ऐसे ही चलेंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो डिसिप्लिन उनके लिए बहाना है, जो इंडिविजुअलिटी होती है ना उसकी हत्या करने का बहाना है। राहुल ने मोदी सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि वो आरएसएस की विचारधारा देश पर थोपने की कोशिश कर रही है, वो भी एजुकेशन के रास्ते। आरएसएस का पूरा हाथ एजुकेशन मिनिस्ट्री में डाल रहे हैं। पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट, नाम नहीं लेना चाहता हूं, आईआईटी में अपनी राय देते थे, आज कहते हैं भैया हम अपनी राय नहीं देना चाहते, हटना चाहते हैं यहां से। क्यों? क्योंकि एक विचारधारा हो भी जाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि राहुल के निशाने पर सिर्फ संघ था। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर चुटकी ले ली। फ्रांस का दौरा हो गया, यूएसए का हो गया, जापान का हो गया, मंगोलिया तक चले गए, चीन चले गए, मगर भैया किसान के घर नहीं गए। हमारे प्रधानमंत्री जी यदि विदेशों में जाते हैं तो भारत का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ाने के लिए जाते हैं, वहां छुट्टी मनाने के लिए नहीं जाते हैं, मौज मस्ती लेने करने के लिए नहीं जाते। राहुल ने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इकोनॉमी की समझ नहीं, इसलिए बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह से घंटों की पाठशाला तक ली। मनमोहन सिंह जी ने कहा इकोनॉमी डाउन जा रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक घंटे की पाठशाला ली हमारे प्रधानमंत्री जी से। कोशिश की समझने की कोशिश की भैया ये कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करा जाए आप बताइए। शायद मनमोहन सिंह जी ने उनको समझाया। फिर राहुल मुद्दे पर आ गए और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया कि वो पूरे देश में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाकर बताएं कि संघ की विचारधारा दरअसल तोड़ने की विचारधारा है और कांग्रेस की सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा है। जहां भी ये आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहते हैं वहां आप जाके खड़े हो जाए और इनको रोको। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज है
जाइए और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हो, सबसे बातचीत करने की विचारधारा, सबको एक साथ ले जाने की विचारधारा को फैलाइए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल ने संघ पर अचानक सबसे बड़ा हमला क्यों बोला? क्या वाकई मोदी सरकार देश पर संघ की विचारधारा थोप रही है, या फिर इस हमले की बड़ी वजह ये है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त दिलाने के पीछे आरएसएस का भी बड़ा हाथ है? रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो बड़ी बातें कही राहुल गांधी ने और बड़े आरोप लगाए सरकार पर। बात करने के लिए हमारे साथ बड़ी बहस में खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ किरीट सोमैया जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सांसद, हमारे साथ जयवीर शेरगिल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सोमनाथ भारती हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला यूथ फॉर कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में है, राणा यशवंत हमारे मैनेजिंग एडिटर न्यूज रूम से हमारे साथ हैं, राकेश सिन्हा आरएसएस चिंतक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं किरीट सोमैया के पास चलूंगी। किरीट जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी कि संघ की विचारधारा ये सरकार जो है ये थोप रही है, आपकी सरकार संघ की विचारधारा थोप रही है। भारत जो भारतीय विचारधारा है, इस देश का हर व्यक्ति जिसके ऊपर अभिमान ले रहा है, उस विचारधारा और तत्व लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और राहुल गांधी विचारधारा थोपने की बात कर रहे हैं, थोड़ा दुख होता है। अरे, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए अभिमान है। अब ये बात अलग है कि हर सप्ताह में राहुल गांधी नया बहाना ढूंढ रहे हैं। एक साल हो गया, अभी तक कांग्रेस अपने पैर पे खड़ी नहीं रह पा रही है। इससे कभी अल्पसंख्यकवाद, कभी आर्थिकवाद, कभी सांस्कृतिकवाद, हर सप्ताह में नया, और कुछ नहीं मिलता है तो अमेठी का फूड पार्क तो ठीक है, हर सप्ताह में। लेकिन सोमैया जी, ठीक है, मीडिया में भी दो झलक आ जाती है। आप कह रहे हैं कि हमला करने का नया तरीका खोज रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने बाकायदा उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय का हाल देख लीजिए, पहले बड़े बड़े वैज्ञानिक आते थे, आईआईटी के बड़े बड़े चिंतक अपनी सलाह देते थे, लेकिन अब वो नहीं करते क्योंकि संघ का हस्तक्षेप खासतौर से इस मंत्रालय में बहुत बड़ा है। उन्होंने खासतौर से ये बोला। अब ऐसा है कि वो कौन से बड़े वैज्ञानिक लाते थे जो कांग्रेस के लोग रहते थे और वो हमें विचारधारा और संस्कृति सिखा रहे हैं कि जिस कांग्रेस के 5 साल में हर महीने में नए भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ, यहां तक कि राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वड्रा भी घोटाला में फंसे, वो हमें संस्कृति सिखाने की बात कर रहे हैं। जिस कांग्रेस की इतनी दुर्दशा हो गई कि अधिकृत विपक्ष 10% सीट नहीं आ पाई। अब ये तो मैंने जैसे कहा ना कि वो कहीं अपने पैरों पे खड़ा रहने के लिए वो नया नया कुछ ना कुछ एक इवेंट और ठीक है, मतलब हमले नए नए तरीके वो खोजते रहते हैं, आपका ये कहना है। करने दो जयवीर जी, बीजेपी का ये कहना है, अभी हम सबने किरीट सोमैया को सुना कि नित नए तरीके हमले के राहुल गांधी खोज रहे, ये भी उसी कड़ी में एक नया तरीका है और देश की विचारधारा जो विचारधारा है वही उनकी सरकार लागू कर रही है, कांग्रेस की विचारधारा घोटालों की विचारधारा, ये कह रहे किरीट सोमैया। शीतल जी, दो तीन बातें कहना चाहूंगा और साबित करूंगा कि राहुल गांधी जी ने आखिर ये बात क्यों रखी। आज एक भारतीय जनता पार्टी को 1 साल हो गया है, उनके हर कार्य, नीति और नियुक्ति, और यहां तक कि हर राज्य का चीफ मिनिस्टर जो इन्होंने चुनाव जीते हैं, मंत्री, जो भी ये शिक्षा विभाग हैं, उनमें कौन अपॉइंट होगा, उस हर बात के पीछे आरएसएस की मोहर है। अब आरएसएस की सोच क्या है और हम क्यों कह रहे हैं, संक्षेप में बताऊंगा। पहले जो हम कहते हैं वो पत्थर पे लकीर। दूसरा, आपका इतिहास आज और कल हमारी सोच के अनुसार होगा। तीसरा, कोई संस्था हम पे सवाल नहीं उठा सकती। चौथा, आपकी काबिलियत की कोई मायना नहीं है, पर आप हमारी सोच में विश्वास रखते हैं, वही बात आती है। अब हो क्या रहा है, हर डेमोक्रेटिक संस्था, सीवीसी,
सीआईसी, लोकपाल, सेंसर बोर्ड जो ये पिक्चर जो चलती है उसको पास करता है, उन सबको कमजोर किया जा रहा है और आरएसएस की मोहर लगाई जा रही है। सांसदीय प्रक्रियाओं को दरकिनारे किया जा रहा है ताकि कोई सवाल ना उठा सके। आज नियुक्ति किस बात पे होती है? नियुक्ति इस बात पे होती है आपकी काबिलियत आरएस की मोहर नहीं है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा, प्रवीण सिंक्लेयर एनसीआरटी डायरेक्टर को हटा दिया गया क्योंकि वो आरएसएस की लाइन नहीं ले रही थी। दिनेश सिंह को वाइस चांसलर थे डीयू के हटाने की बात हो रही थी। बलदेव शर्मा आरएसएस माउथपीस के एडिटर को लगा दिया, नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन। इंदर मोहन कपाही आरएसएस से जुड़े बन गए यूजीसी के मेंबर। सुदर्शन राव बना दिया इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चेयरमैन। अब सेंटर जो सेंसर बोर्ड है उस पर पिक्चरों में कैसे शब्द हम सुनेंगे वो आरएसएस तय कर रही है। तो ये एक जो तानाशाही का रवैया है, और मोहन भागवत जी हर बार मंच पे खड़े होकर बताते हैं हम हिंदू मुसलमान, ये बताते हैं 6 मार्च 2013 को हमें ये भी बताया गया कि इस देश के पुरुष केवल काम कर सकते हैं, महिलाएं सिर्फ घर पे रहें और ये करें। अनेकता में एकता हमारे संविधान में लिखा है, ये हमारे हिंदुस्तान का डीएनए है, पर इनका इनका अनेकता में अविश्वास है। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, राकेश सिन्हा से, मोहन भागवत की स्पीच, मोहन भागवत की स्पीच डीडी पे टेलीकास्ट हो रही थी। राकेश सिन्हा आरएसएस चिंतक हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार का कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी संस्था हो, वहां पे आरएसएस का ठप्पा लगाया जा रहा है, हर जगह आरएसएस के लोग बैठाए जा रहे हैं। इतना बड़ा आरोप ये संघ पर और इस सरकार पर कांग्रेस लगा रही है, और अभी भी उदाहरणों की एक लिस्ट हमने सुनी जयवीर शेरगिल के मुंह से। देखिए, भारतीय राजनीति को जो थोड़ा भी समझता है वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन ही क्यों हुआ था। जनता पार्टी में जनसंघ का विलय हुआ था जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती पार्टी थी। संघ से संबंध के आधार पर जब जनता पार्टी में विवाद हुआ तो संघ से जुड़े लोगों ने सरकार से अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। इसलिए संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंध पर बहुत ज्यादा विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मुझे दुख इस बात का है कि राहुल गांधी ने जिस ढंग से प्रधानमंत्री के पद का अवमूल्यन किया, जिस ढंग से संसदीय परंपरा में प्रधानमंत्री कैबिनेट के द्वारा पारित बिल को फाड़ कर फेंक दिया, वह उनके नव नाजीवादी लीडर की छवि देती है, नव फासीवादी लीडर की छवि देती है। और वह संघ को अनुशासन एनएसयूआई की मीटिंग में सिखा रहे थे। इनके सिंह जी बताएंगे, राकेश जी, मैं नागपुर में हुआ था, मैं इनके सिंह साहब के पास आऊंगी। मैं अंतिम बात कर लूं, रेलवे स्टेशन से लेकर मैं पूरा कर दूं, रेलवे स्टेशन से लेकर शहर तक जो लूटपाट मचाई गई, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, वह अनुशासन राहुल गांधी को पसंद है। संघ जिसको जवाहरलाल नेहरू ने फूड कैंपेन के लिए इनवाइट किया था, संघ जिसको जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में रिपब्लिक डे परेड में इनवाइट किया था, संघ जिसने नेपाल में जाकर भूकंप में काम किया, संघ जिसने 62 के युद्ध के समय में ठीक है ठीक है ठीक है, पर बुनियादी सवाल ये कि क्या संघ का हस्तक्षेप है सरकार में, सरकारी संस्थाओं में, सरकार के मंत्रालयों में कि नहीं। आपके आपके सवाल, आपकी बातों का जवाब मैं जयवीर से लूंगी, लेकिन बुनियादी सवाल ये कि क्या संघ का हस्तक्षेप सरकार में और सरकारी सरकार से जुड़ी संस्थाओं में है कि नहीं। संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं है, संघ जमीन पर काम करता है, संघ के लोग वनवासी कल्याण आश्रम हजारों गांवों में काम कर रहा है। संघ का एक प्रोजेक्ट है एकल विद्यालय, जो आदिवासी क्षेत्रों में, दलित क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 55,000 स्कूल चलाता है। संघ की विचारधारा को समझना है तो संघ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। पूनावाला साहब से पूछिए कि संघ पर कौन सी दो पुस्तकें को पढ़कर आए हैं, कम से कम संघ पर कोई पुस्तक तो पढ़ लें। शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं कि फासीवादी विचारधारा कांग्रेस की है और वो संघ को और बीजेपी को विचारधारा का पाठ पढ़ा रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, मैंने संघ की एक किताब पढ़ी है, शुक्रिया आपने बताया, बंच ऑफ थॉट्स, और उसमें पेज नंबर 138 पे गोलवालकर जी, जिनके चरण छू के आप बात करते हो, वो लिखते हैं कि भारतीय मुसलमान और क्रिश्चियन इस देश के लिए आंतरिक खतरा है। तो मुझे पता है कि ये बुक की जिक्र आप कर रहे हो और इसी विचारधारा पे चल रहे हैं। जहां तक हस्तक्षेप है, मैं आपको तथ्य के साथ बताता हूं। आपके वाइस सुदर्शन राव कौन है जिनको ICHR का अध्यक्ष बनाया? रेज्यूमे में आरएसएस के एक कोई ये होने के अलावा उनकी क्या पेशकश है? रामचंद्र गुहा का लेख पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने ब्यौरा दिया है। चाहे वो आपकी बुक ट्रस्ट हो, चाहे वो आपकी IITs हो, चाहे VNIT हो,
आज आपके सेंटेंसेस के एक कोई ये होने के अलावा उनकी क्या पेशकश है? रामचंद्र गुहा का लेख पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने ब्यौरा दिया है, चाहे वो आपकी बुक ट्रस्ट हो, चाहे वो आपकी आईआईटीज हो, चाहे वीएनआईटी हो, आज आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक में से चार में से एक यूनिवर्सिटी में अध्यक्षता की पद खाली है। केवल आरएसएस के रेज्यूमे देखे जा रहे हैं किसको भर सकते हैं। काकोडकर साहब जो आईआईटी मुंबई के चेयरमैन थे, उन्होंने परसों बयान दिया है कि यहां पे जो सिस्टम चल रहा है, लॉटरी सिस्टम चल रहा है, हम नहीं जा सकते इसमें। आईआईटी दिल्ली के चेयरमैन हाथ दे गए स्मृति ईरानी जी से, क्योंकि हर डिसीजन जो है झंडे वाला में लिया जाता है। ये है आपके हस्तक्षेप का विलय। और आपको मैं बता दूं कि ये केवल इसमें ही नहीं, आपके मंत्री भी वही भाषा बोलने लगे। आज आप लोग मेक इन इंडिया में तो बीफ एक्सपोर्ट की बात करते हो और प्रदेशों में बीफ बैन कर देते हो, और आप ही के मंत्री फिर जाके बोलते कि मैं बीफ खाऊंगा, मुझे कोई पाकिस्तान भेजे। ये किसका एजेंडा है? जो आज हिंदू राष्ट्र की बात चली है, जिसका जिक्र आपकी मंत्री स्वाधीवी ज्योति ने किया था कि देश रामजादे का हो या एक्स वाई जेड का हो, वो किसकी भाषा है? ये आरएसएस की भाषा है और ये आरएसएस की सरकार है और आरएसएस के स्टैंप से चल रही है। ठीक है शहजाद, मैं रावत जी के पास और एनके सिंह साहब के पास भी चलूंगी, लेकिन पहले मैं इस पर जवाब किरीट समाया से ले लेती हूँ। किरीट जी, पता है कि ये शहजाद जो कांग्रेस नेता है, राहुल गांधी कांग्रेस नेता है, ये बाकी सब लोग ये आरएसएस वाली बातें सालों से कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हर घर में जाके ये बात कही, और उसके बाद में 30 साल के इतिहास में पहली बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, और वो भारतीय जनता पार्टी को। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि ये सब इन्होंने सालों से बातचीत करने के बाद में भी हिंदुस्तान के लोगों को कांग्रेस का ये नकलीपन महसूस हो रहा है, तो इन्होंने स्ट्रेटेजी बदलनी नहीं चाहे क्या? मुझे बताइए, इतिहास की बात कर रहे हो तो आपने कौन सा इतिहास लिखा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उसमें स्थान नहीं, आज सावरकर जी की तिथि है, सावरकर को स्थान नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्थान नहीं। ये शहजाद जी और ये बाकी कांग्रेस नेताओं के लिए इतिहास यानी कहां से शुरू होता है? इतिहास आप सिखाएंगे कि आपके नेता प्रधानमंत्री बोलते हैं मोहनलाल गांधी, राजीव गांधी? आप मुझे बताइए, इतिहास का अध्ययन आपने किया है? सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी का नाम तो नहीं ले पाते हो, मुझे इतिहास सिखा रहे हैं? इतिहास है, आप मुझे बताइए। आज हमको इतिहास सिखाते हैं? वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया था कि नहीं किया था, ये इतिहास का हिस्सा है? मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनलाल कहने वाले हमारे मोदी जी है, ये इतिहास उन्होंने नहीं सीखा? आरएसएस में किस प्रकार की इतिहास की जानकारी दी जाती है मुझे नहीं पता, पर हमें अपना इतिहास पता है और पिछले 65 सालों में चुनाव जीते हैं तो इसलिए जीते हैं क्योंकि काम किया है। और आप पे भी वही बात लागू होती है जो इस बार कांग्रेस के ऊपर लागू होती है हारने पर, कि आप 65 साल से केवल बदनामी कर रहे थे कांग्रेस की। ये जो है बिना तर्क की बातें ना किया कीजिए, आपको मिला है मौका, आप सत्ता करिए, विकास कीजिए, सबके साथ की बात कीजिए। ठीक है एनके, शीतल जी एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जयवीर जी। शीतल जी, बहुत संक्षेप में जो आरएसएस के चिंतक हैं और कीरत जी ने बात कही उसका, सबसे पहले आरएसएस क्या काम करती है नेपाल में, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, बात यह है आप कीजिए, जरूर कीजिए, पर अपने विचारधारा दूसरों पे थोपिए मत। दूसरा, आपको मत दिया लोगों ने, बहुमत मिला सबका साथ सबका विकास पे, इसलिए नहीं दिया गया कि नथुराम गोडसे को आप पेट्रियट बताएं, आप महिलाओं को बताएं उनका चाल चलन पहनावा कैसा होगा, इन कामों के लिए नहीं दिया गया था ये हमारा कीमती वोट। तीसरा, जो ये बात कर रहे हैं नेताजी बोस के, आज बहुत के कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस पार्टी फोटो नहीं खिंचाती उनके परिवार के साथ और झूठे दिलासे दे जाती है, इनकी फाइल्स डी क्लासीफाई कर दी जाएंगी, सिर्फ कैमरा अभियान सरकार है। हम इस देश के युवा को आगाह कर रहे हैं कि हमने आपको चुनाव से पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा, बस हमारा पहनावा चाल चलन आज और कल आरएसएस के मुताबिक चले, उस पे ही पूरा इनका ध्यान है और उसके खिलाफ हमें लड़ना है। ठीक है राणा जी, ये राहुल गांधी अचानक मोदी पर हमला करते करते विचारधाराओं की जंग में राहुल ने क्यों इसे तब्दील कर दिया? क्या इसकी वजह ये वो समझ गए हैं कि जो पतन असली हुआ है कांग्रेस का, उसके पीछे पूरी भूमिका, पूरी ताकत, पूरी हाथ संघ की थी? बहस अब यही इसी पर होनी चाहिए।
मोटे तौर पर जो सवाल शीतल आपने कहा है ना, मामला यही है। राहुल गांधी को ये लगता है कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा लोग अगर बाहर निकल के उन्होंने वोट किया, 66% से ज्यादा लोग बाहर निकले। कांग्रेस अगर सबसे कम संख्या पड़ाकर सिमट गई है आजाद भारत के इतिहास में, तो उसमें एक बड़ी भूमिका संघ की रही है। जो लोग इस चुनाव में बहुत सक्रिय रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत दूर दराज के हिस्सों में जाते आते रहे, उन्होंने देखा था किस तरह से संघ के लोगों ने घर घर जाकर के वोटर को निकाला था। उन्होंने समझाया था कि मोदी के आने के बाद हिंदुस्तान में कैसे तकदीर तस्वीर दोनों बदलने वाली है। लोग बाहर आए, राहुल गांधी को शायद यह पहली बार एहसास हुआ है कि अगर मोदी को कमजोर करना है, अगर आगे बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है, तो आपको संघ पर हमला करना पड़ेगा, संघ की जड़ों को कमजोर करना पड़ेगा। उनके एक एक बयान को आज सुनिए। उन्होंने एनएसवाई से यही कहा कि संघ जहां कहीं शाखा लगाता है, आप जाइए, खड़ा होइए, उनको रोकिए। यानी कि संघ का जो भी कार्य है और संघ अपने तरीके से जो भी इस देश के भीतर करता रहा, हालांकि संघ की बहुत सारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के जो कुछ भी करता रहा है, वहां आप मोर्चेबंदी कीजिए और संघ को रोकिए। यह एक बड़ी रणनीति है कांग्रेस की, राहुल गांधी की, देर से ही समझ में आई है, लेकिन ठीक समझ में आई है। जी एनके जी, आप इसे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, देखिए एक बात, कुछ बेसिक बातें हैं जिसको कि नहीं भूलना चाहिए। संघ मात्र संगठन है, तो अगर बीजेपी पावर में आती है और उस आइडियोलॉजी के लोगों को लाती है, तो इसमें गलत क्या है? वो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो कर रही है, लेकिन इसमें गलत क्या है? जब कांग्रेस थी तो कोई भी इस आइडियोलॉजी के लोगों को नहीं लेती थी। कांग्रेस अपना एक सेकुलर उसने बना रखा था, उनको लेती थी। वो सेकुलर क्या मतलब होता है वो अलग विवाद का विषय है, लेकिन इस आइडियोलॉजी से वो नहीं लेते थे, उस आइडियोलॉजी से ये नहीं लेते हैं। ये परंपरा 65 साल से चल रही है, कोई नई नहीं है। तो अगर वो कर रहे हैं तो इसे मुझे नहीं लगता है कोई गलती है। अब दूसरा, राहुल गांधी ने कहा कि साहब एक सिंगल मैन की सरकार है, वन मैन शो है, तो कम से कम एक बात तो है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड आदमी है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट पे देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड, ये आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर की प्राइम पोजीशन होती है, अगर वो चला रहती है उसका स्वीट विल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्रोप्राइटी है। दूसरा ये पक्ष है, मुझे लगता कि कांग्रेस को अटैक करना बहुत संतुलित आता नहीं है। आज इतने अच्छी चीजें थी, आज आप देख ले, लेबर ब्यूरो शिमला का रिपोर्ट आया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरी तरह से घट रही, जॉब ग्रोथ रेट घट रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने धज्जी उड़ा दी है इस गवर्नमेंट की, ये कह के कि साहब कुछ भी नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट पैरामीटर पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 2.3 पे आ गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स का कहना है, लेकिन कांग्रेस को इन सब से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली अटैक इस पे करना चाहिए था, तो वो ले गई कहां कि संघ पे हमला कीजिए। और मुझे लगता है कि ये सोशल टर्मोइल एक पैदा हो जाएगा अगर ये अपील कर दी है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को कि आज जहां शाखा लगे, शाखा एक वैलिड प्रोसेस है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशियो रिलीजियस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो शाखा लगाता है और इसको कहीं वो मान रहा है कि नहीं देश के लिए गड़बड़ है, तो मेरे ख्याल से खतरनाक होगा और इससे सोशल अनरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, मैं आऊंगी, छोटे से ब्रेक, माफ कीजिएगा प्लीज, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद इस पर कांग्रेस की रिएक्शन लूंगी और क्या वाकई कांग्रेस की जो रणनीति है वो हर बार यूं ही फ्लॉप टर्न लेती रहती है, जैसा कि अभी एनके साहब बोल रहे थे। इस पर हम राज का कॉमेंट भी लेंगे, तमाम अपने गेस्ट की वजह क्या है। ब्रेक से पहले एनके सर बोल रहे थे कि कांग्रेस में, हम बातें कहूंगा, मैं आती हूं आपके पास, कि कांग्रेस में हमेशा रणनीति को लेकर एक कंफ्यूजन रहती है और अब भी राहुल गांधी कंफ्यूजन दिखा रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें जमीनी मुद्दों की बात करनी चाहिए वो विचारधारा पर चले गए हैं। शहजाद, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, फिर जयवीर के पास भी चलूंगी। शीतल जी, मैंने इनके 20 मिनट के स्पीच का अध्ययन किया, इसमें ज्यादातर देर वो आरएसएस पर बोले। अब देखिए, जीशान मिसबा ऐसे केसेस आते तो विचारधारा पर बोलना बनता है उनका, पर मुझे लगता है जैसे बता रहे थे एनके सिंह जी भी कि इकोनॉमी पे जो आज हाल हो रहा है कि 0.1% पे आ गई है, जॉब ग्रोथ नहीं है, और जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी बता रहे थे कि पिछले सालों में ग्रोथ रेट हाई थी, इन मुद्दों को उठाना चाहिए था, पर इसमें एक परिपेक्ष है। कल मोदी जी ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने सोनिया जी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बताया था। मुझे लगता है इसी के संबंधित उनका अटैक रहा, क्योंकि नागपुर भी एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है थी। इन मुद्दों को उठाना चाहिए था, पर इसमें एक परिपेक्ष है।
कल मोदी जी ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने सोनिया जी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बताया था। मुझे लगता है इसी के संबंधित उनका अटैक रहा, क्योंकि नागपुर भी एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इसलिए ज्यादा फोकस उस पर रहा हो सकता। और दूसरी बात यह भी है कि जो आरएसएस की विचारधारा आजकल हम लोग देख रहे हैं, किस्सों में भी देख रहे हैं, जीशान का केस आ रहा है, मिसबा का केस आ रहा है, जैसे एटमोस्फेयर बन रहा है तो शायद उस पर भी बोले। पर राहुल जी ने एंड में भी मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया पे, और ये भी कहा कि मनमोहन सिंह ने जाके गुरु क्लास भी लगाई है मोदी जी की इकोनॉमी पर, तो उन्होंने जिक्र किया है। पर मुझे लगता है कि क्योंकि वो युवाओं का प्लेटफॉर्म था, वहां पे जॉब्स की ज्यादा बात होनी चाहिए थी, तो अगली स्पीचेस में राहुल जी की तरफ से ये बातें ज्यादा है, मनमोहन सिंह की तरफ से तो आई थी पर राहुल जी से आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आपने इसको दिया। राहुल जी, क्या ये हमला पावर सेंटर पॉलिटिक्स पे था? मोदी ने जिस तरह से, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जनपद की बात कही, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेंटर, तो इसलिए संघ को एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेंटर बताने की कोशिश थी राहुल गांधी की कल वाले उस बयान को काउंटर करने के लिए? शीतल, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के सामने जो चुनौतियां हैं ना, उनको समझने की जरूरत है। दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक चुनौती ये है कि कांग्रेस का रिवाइवल इस देश में कैसे हो, और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हैं और मोदी के खिलाफ लगातार वो संघर्ष छेड़े रहते हैं, एक ऐसी जंग उन्होंने छेड़ रखी है जो अंतहीन है। और लोगों के जेहन में यह बात पैदा होती है कि मोदी के बाद इस देश में कोई सक्रिय नेता है तो अरविंद केजरीवाल है, और हाल में उन्होंने कहा कि देश के जितने भी वैसे नेता हैं जो बीजेपी के विरोध में हैं और संघ के सताए हुए हैं वो एक साथ एकजुट हों, यानी कि इस तरह के इशारे वो देते हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं हाशिए पर ले जाकर के आप बीजेपी के बाद जो राजनीति है या जमीन है वहां आप सबसे बड़े नेता के तौर पर खड़ा हूं। राहुल गांधी को इसको भी देखना होता है, इसलिए वो दरकिनार करते हैं। एक दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो एनके सिंह साहब से मैं थोड़ा इत्तफाक नहीं रखता हूं, राहुल गांधी ने अब पिछले जब से वो लौट करके आए हैं उसके बाद से उनके बोलने के अंदाज में, उनके तौर तरीके में, उनके लहजे में बहुत फर्क है, बहुत कन्विंसिंग तरीके से और उन शब्दों में बोलते हैं जिन शब्दों के जरिए हिंदुस्तान कि जनता समझती है और बातों को याद रखती है। मनमोहन सिंह का जाना मोदी के यहां कांग्रेस के झेप है, लेकिन जब उसका जिक्र आया तो बोले कि नहीं, मनमोहन सिंह गए होंगे, इकॉनमी उनको नहीं आती है तो बताने गए होंगे कि अच्छा आप देश कैसे चलाएं। तो यह तरीका है, संसद में जब बात होती है कि आलू की, तो कहते हैं मैं सूट की बात नहीं करता हूं, मैं आलू की बात कर रहा हूं। तो राहुल गांधी को यह जुमले गढ़ने आ गया है, राहुल गांधी को सधकर बोलने आ गया है, राहुल गांधी को उस तरीके से उस लहजे में बात करने आ गया है जिस लहजे में हिंदुस्तान का आम आदमी सुनना चाहता है। इसीलिए आप देखेंगे पिछले एक महीने के भीतर जितने भी सर्वे हुए हैं उस सर्वे में राहुल गांधी का ग्राफ लोकप्रिय नेताओं के उनकी जमात में बढ़ा है, अरविंद केजरीवाल के वो पास आ गए हैं, मोदी का ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ है तो राहुल गांधी का बढ़ा है। राहुल गांधी की जो रणनीति है उसको मैं कहीं से कमजोर नहीं मानता हूं। यह दीगर बात है कि उत्तर भारत में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म है, कांग्रेस के पास जमीन नहीं है, पश्चिम बंगाल से लेकर के आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चले जाएं कांग्रेस के पास कहीं भी जमीन नहीं है। तो कोई पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हो, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर खड़ा करना चाहती हो, उसका नेता कैसे अपने आप को इतनी बड़ी चुनौती के सामने तैयार करेगा, यह राहुल की सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सोमनाथ भारती बड़े बड़े सही वक्त पे हमारे साथ जुड़े हैं। सोमनाथ जी, आपने भी राणा जी को सुना, तो क्या ये मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल अब सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि राहुल गांधी आ गए हैं एकदम नए रूप में, नए कलेवर में? देखिए कारण क्या है कि एक लिमिट है इंप्रूवमेंट का, और एक कितना भी प्रयास कर ले राहुल जी, चूंकि इनके पास जो फंडामेंटल और जो बिल्कुल बेसिक्स है वो अवेलेबल नहीं है। इन्होंने संघर्ष जाना नहीं, जिंदगी में संघर्ष क्या होता है, जनता के लिए सेवा क्या होती है, झगड़ा क्या होता है, सिद्धांतों के लिए लड़ाइयां क्या होती है। सब लोग मिडनाइट ट्रेड नहीं करे तो संघर्ष नहीं जानते। ये भी कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि राहुल जी के अलावा कोई और उनके पास है नहीं। जानते कि भाई राहुल जी अगर ना हो तो कांग्रेस बिखर जाएगी, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य। तो आपके यहाँ भी अरविंद केजरीवाल के अलावा कौन है, बता दें प्लीज। आपके यहाँ भी तो आपके यहाँ भी अरविंद केजरीवाल से बात कर सकता हूँ अपनी। बिल्कुल जयवीर पूरा देश बात रख दूं कि राहुल गांधी पूरा देश पूरे चैनल्स मोदी वर्सेज केजरीवाल देख रहा है। मोदी वर्सेज राहुल चाहता है भाजपा को तो फायदा है इससे। शीतल में यही कह रहा था, क्योंकि भाजपा जानता है ना ये राहुल की तो उसके पास काट है, उनके पास काट अरविंद केजरीवाल का नहीं है।
शीतल मैं यही समझा यही कह रहा था। ठीक है ठीक है लाला जी। हाँ बिल्कुल आपके पास कह रहा था। हाँ बोलिए बोलिए आप अपनी बात खत्म कीजिए फिर मैं जयवीर के पास चलूंगी। बहुत देर से कह रहे हैं। सोमनाथ जी ने जो बात कही है यही मैं कह रहा था। एक रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को मोदी के खिलाफ खड़ा किया है और इसी रणनीति का हिस्सा है कि राहुल गांधी बार बार अपने आप को उस तरीके से तैयार कर रहे हैं जिस तरीके से इस देश के बड़े नेता को तैयार होना चाहिए। मोदी के बोलने का अपना अंदाज है, मोदी को लोग सुनते हैं, अरविंद केजरीवाल का अपना तेवर है, उस तेवर को भी लोग पसंद करते हैं। राहुल गांधी ने अपने आप को ढालना शुरू किया है। राहुल गांधी को यह पता है कि अगर मैंने अपने आप को तैयार नहीं किया तो केजरीवाल वो जमीन लेकर चले जाएंगे। किरीट जी, किरीट समैया जी, क्या आपको भी यही वजह लगती है कि केजरीवाल वो रिक्त स्थान ना भर दे इसलिए राहुल गांधी फुल ऑन हर तरीके से, कभी विचारधारा, कभी नरेंद्र मोदी, कभी किसान, ये तमाम भर चुका। किरीट जी, शीतल जी, अगर आप देखें चाहे लोकसभा का चुनाव हो या दिल्ली के विधानसभा का चुनाव हो, आपके पास आऊंगा, दोनों चुनावों में कांग्रेस कहीं नहीं थी, राहुल जी कहीं नहीं थे, पूरे का पूरा देश इस पूरे, मैं उसका जवाब दूंगा। सोमनाथ जी धैर्य रखिए, जवाब दूंगा, मुझे शीतल जी जब मौका देंगे। किरीट जी, क्या आपने मेरा सवाल सुना? आप मुझे सुन पा रहे हैं? शीतल जी नहीं, ऐसा है, वास्तव में ऐसा है कि एक साल के पश्चात भी कांग्रेस को कोई मोमेंटम, कोई मूवमेंट, कोई इश्यू मिल नहीं रहा है, संसद के अंदर हो या सड़क पर हो, और इसके लिए हर सप्ताह में कुछ नया नया प्रयास कर रहे हैं। आज आरएसएस के नाम से हल्ला बोल दिया। मैंने जैसे आपको कहा कि दो सप्ताह पहले अमेठी फूड पार्क के नाम पे हल्ला बोल दिया था। अब ये ऐसा है कि ये जिम्मेदार विपक्ष बनना चाहते हैं तो उन्होंने ये इस प्रकार से पत्थर मार के निकल जाना, पत्थर मार के निकल जाना, ये कोई राजनीति है क्या? अब मनमोहन सिंह जी एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से मिले, एक पूर्व प्रधानमंत्री मिले, बातचीत की, क्या ये हमारे सब कांग्रेस वालों ने ऊपर से लेके नीचे के सबने ये शुरू कर दिया, पाठशाला शुरू कर दी, नरेंद्र मोदी को इकोनॉमी सिखा दी। अरे भैया मेरे साहब, मनमोहन सिंह जी बहुत महान इकोनॉमिक थे तो ये 10 साल में महंगाई कहां से कहां पहुंची, ये भ्रष्टाचार कहां से कहां पहुंचा और कांग्रेस कहां से कहां पहुंची। आज थोड़ा तो जिम्मेदारी से पेश आए या फिर स्टंटबाजी करनी है करते रहे। ठीक है ठीक है ठीक है। राम माधव का बयान अभी अभी बीजेपी नेता राम माधव का राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार आया है और वो ये कह रहे हैं कि राहुल की चार पीढ़ियों ने आरएसएस को रोकने की कोशिश की, राहुल की चार पीढ़ियों ने राहुल आरएसएस को रोकने की कोशिश की और फिर भी आरएसएस बढ़ता चला गया। जयवीर, शीतल जी आपने मुझे बहुत देर के बाद समय दिया है और मैं निवेदन करूंगा कि मुझे कोई टोके ना, क्योंकि मैंने किसी को टोका नहीं। तीन चार बातें रखूंगा। पहला, एमके सिंह जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं और मैं उनकी अक्सर हर चर्चा पे सलाह लेता हूं, पर उनको बताना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रिपोर्ट कार्ड जारी किए, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, शिक्षा की हो, एफआई स्लो डाउन हो, क्रेडिट ग्रोथ रेट जो स्लो हुआ है, कि पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, उस पर हमने चर्चा की है। दूसरा, सोमनाथ जी को अपने घर के अंदर पहले झांकना चाहिए, इससे पहले कांग्रेस पार्टी को टिप्पणी दें। आज दिल्ली उनकी जितनी ये राजनीति की सूझबूझ, गवर्नेंस की सूझबूझ, कानून की सूझबूझ है, वो हम सब जो पूरा दिल्ली ये इनका ड्रामा देख रहा है, तो ये अपनी सलाह पहले पार्टी के अंदर जाके दें। तीसरा, कीरत जी ने बहुत ज्ञान दिया कि कानून ये कीमत इतनी हो गई। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जी पक गई हैं आदतें, अब बातों से सर होंगी नहीं, कुछ तो हंगामा कीजिए, अब ऐसे गुजर होगी नहीं। भिंडी का दाम देख लीजिए, मैं रोज जाके देखता हूं, 140% बढ़ोतरी है आज सब्जियों के दाम में। पांचवा, आज हमारा संविधान जब बना था वो जो हिंदुस्तान को पीछे बीमारियां जो बुरी चीजें खींच रही थी वो थी क्या? भेद, जात पात भेदभाव। आप सूट बूट डालते हैं या खादी डालते हैं या खाखी डालते हैं, उस पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी काबिलियत पे मिलेगी। आप कौन सा धर्म किस तो भगवान के आगे तो माता टेकते हैं, आपने भी कही उसके बिना कैबिनेट में दिया जाएगा नहीं? महंगाई को छोड़कर आप विचारधारा और संघ के पीछे क्यों? शीतल जी मुझे पूरा करने दीजिए,
मुरे मुरे मुझे पूरा करने दीजिए, हम विपक्ष में हैं, हमारा हमारा जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो है दोनों तरफ जनता को बताना, जो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, FII, प्राइस राइज, डीजल प्राइस, इस सब पे हमने चर्चा की है। पर जैसा शहजाद भी कह रहे थे, अगर बार बार हमारे हिंदुस्तान, हमारे संविधान जिस सोच पे बना है, अनेकता में एकता, उस पे अटैक करेगा, हमारी काबिलियत को नहीं, हमारे धर्म को देखा जाएगा, तो हम उस सोच को, उसके बारे लोगों को आगाह भी करेंगे। ठीक जयवीर, कोई हमें रोक नहीं। ठीक है जयवीर, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। एक बेहद अहम बयान जो राम माधव की ओर से आया, बीजेपी नेता, उनका यह कहना है कि आरएसएस को राहुल की चार पीढ़ियों ने रोकने की कोशिश की, फिर भी आरएसएस बढ़ता चला गया। क्या इससे, इस बयान से राम माधव के मायने आरएसएस की बढ़ती हुई दखल अंदाजी से है, क्या वो उसे एंडोर्स कर रहे हैं? ये सवाल लेकर मैं अपने पैनल के पास जाऊंगी, हमारे तमाम मेहमानों के पास जाऊंगी, राणा जी से और एनके सिंह साहब दोनों से करूंगी, दोनों बारी बारी से उसका जवाब देंगे। मेरा सवाल वही जो ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि क्या राम माधव का जो ये बयान आया है उसने कहीं ना कहीं राहुल गांधी के उस आरोप को एंडोर्स किया है कि संघ का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है? राणा जी, शीतल, राम माधव ने जो कुछ भी कहा है ठीक है, वो आपके सामने इतिहास है, हर पार्टी की विचारधारा से चलती है, वो एनके सिंह साहब ने पहले भी कहा था, और जब पार्टी सत्ता में आती है तो समान विचारधारा के लोगों को सत्ता प्रतिष्ठान, उससे जुड़े हुए जितने भी संगठन संस्था होते हैं उनमें बिठाती है, यह कोई मतलब नई बात नहीं है। रही बात कि जो राम माधव ने कहा है कि इसलिए कि देश में बीजेपी और संघ ने कोशिश की सत्ता में आने की, और देश के लोगों को लगा कि कांग्रेस जिस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, जहां विकास रुका हुआ है, जहां नॉन गवर्नेंस है, तो लोगों में एक उकताहट थी, एक ऊब थी। मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी के हक में हवा नहीं थी, कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा थी, इसलिए बीजेपी के पास इतनी सीटें आ गई। अब आज जब राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी संघ की तरह देश को चलाना चाहती है, तो राहुल गांधी दोनों को टारगेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक आदमी बोलता है, बाकी कोई नहीं बोलता है, एक आदमी को सारी समझ है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो संघ की जो विचारधारा है, वो लोगों को ये बताना चाहते हैं, संघ की विचारधारा जो है वह ऐसी ही विचारधारा है, और बीजेपी पूरे मुल्क को ऐसे ही चलाना चाहती है। वो एक ही साथ बीजेपी और संघ दोनों पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उनके लिए दोनों खतरे हैं और उनके दुश्मन दोनों हैं। एनके सिंह जी, फिर आपके पास। देखिए, एक बड़ी बेसिक बात है कि स्ट्रांग आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ जब आते हैं तो कैडर स्ट्रक्चर का कमिटमेंट डिफरेंट होता है, संघ में वो है, कैडर स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जो राम माधव ने कहा है उसमें सीधा यह है कि दो डायमेंशन है इसके, संघ का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, ये इशारा भी है, और संघ का नेटवर्क भी बढ़ा है, शाखाएं बढ़ी हैं, पिछले 8 महीने में काफी शाखाएं बढ़ी हैं, मेंबरशिप बढ़ी है। लेकिन इसका खतरा यह है कि लुम्पेन एलिमेंट, जो हिंदुत्व के फ्रिंज एलिमेंट है, वो इसमें कहीं घुस रहे हैं, जो कि पूरे के पूरे एटमॉस्फियर को विशेष कर रहे हैं। ये संघ का पूरा नेटवर्क जो बड़ा है वो मोदी सरकार के आने के बाद बड़ा है। जी जी बिल्कुल जी, और जी। वो इसलिए है कि सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होता है, तो हमेशा कभी समाजवादी पार्टी के लुम्पन समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं, संघ के लुम्पन आ जाते हैं, तो ये खतरा ये है कि संघ में डिसिप्लिन वगैरह कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, इससे वो खुश होते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है ये खतरा है। दूसरा यह है कि अगर राहुल गांधी कोर इश्यूज पे आते, जो मेरे, क्योंकि ये फंडामेंटल इशू था, ये इशू फंडामेंटल है कि भाई संघ ने अपने आइडियोलॉजी ला रहा है, फिर सेक्युलर वाले अपना लाते हैं, लेकिन कोर इश्यूज जो है, उन्होंने रियल एस्टेट के बिल बारे भी बोला, भूमि अधिग्रहण के बारे भी बोला। जयवीर, मैं इसलिए कह रहा था कि जो मेन मुद्दा है, अगर राहुल गांधी उस पर फोकस करते, आप फोकस करें, राहुल गांधी फोकस करें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, तो इस समय अगर डेवलपमेंट चूंकि एक साल हुआ है और लगातार इस पे चल रहा है, राहुल जी ने फोकस के बारे में बोला, शीतल जी भूमि अधिग्रहण कानून के बारे बोला, राहुल जी केरला में भी थे, मछुआरों के और बाकियों के अधिकारों के बारे में भी बोला, और कई जगह हमने वो ट्विटर पर फोटो, एग्जैक्टली कई जगहों पर गए हैं और उन्होंने वहां के मुद्दे उठाए, जमीन अधिग्रहण से जॉब्स का वो सब। पर मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं, जो आपका ऑब्जर्वेशन था, राम माधव जी ने एक्चुअली राहुल जी की बात को सच सिद्ध कर दिया, क्योंकि राम माधव जी भूल गए कि वो अब आरएसएस नेता नहीं, प्रवक्ता नहीं, वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है, तो आरएसएस की डिफेंस पे क्यों आ गए वो? तो ये डिफेंस करके ही उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जो आरएसएस का आज हस्तक्षेप है बीजेपी में, वो राहुल जी सही बोल रहे हैं उसके बारे में। जी जयवीर, और फिर सोमनाथ जी के पास चलूंगी, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। आखिरी बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किसी भ्रम में ना रहे, ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश है जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर रहे हैं। अगर वो सोचते हैं कि हमारा पहनावा, चाल चलन, हमारी काबिलियत पे नहीं हमें नौकरी मिलेगी, पर अगर हम आरएसएस की शाखा में जाते हैं उसके पे बिना पे नौकरी मिलेगी, वो नींद से जागें और इतना अहंकार मत दिखाएं।
ठीक जयवीर जयवीर रोकूंगी, बात खत्म हो रहा है। सोमनाथ जी, सोमनाथ जी जल्दी से जो आप जोड़ना चाह रहे हैं फटाफट, उस पर हम डटे रहेंगे और ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। एक के बाद एक चुनाव देश में हुए, केंद्र के भी हुए, राज्यों के भी हुए, और इनका परफॉर्मेंस कांग्रेस का एक के बाद एक दुर्गति साबित हो रही है। दिल्ली में वो जीरो पे आ गए, राहुल जी की जो करिश्मा है वो कहीं दिख नहीं पा रहा है, और भाजपा उसमें अपनी खुशी ढूंढ रही है। लेकिन राहुल जी ने जो आज कहा है कि राजस्थान राम माधव जी इतने चुनाव जीते, उनकी लिस्ट भी गिना दीजिए। संघ आज के तारीख में कॉमनल पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट कर रहा है उत्तराखंड, और उसी के बारे में सब चिंतित हैं। पूरा देश को धर्म के नाम पे डिवाइड करके अपने उल्लू सीधा करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, और एक साल से जो ग्रोथ का ये डींग हाग रहे थे, सब कुछ फिसड्डी साबित होता दिख रहा है। तो ये आज के तारीख में ना तो राहुल जी के पास ना मोदी जी के पास देश का कोई सोल्यूशन है। मतलब सोल्यूशन अरविंद केजरीवाल के पास भी है, तो दिल्ली का सोल्यूशन नहीं है। आपके पास दिल्ली की बिजली पानी 100 दिन में आपने क्या दिया, वाईफाई तक नहीं दिया। केजरीवाल के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है, मुझे तुरंत इस बहस को यही खत्म करना होगा। सभी का बहुत धन्यवाद, फिलहाल बड़ी बहस में इतना है, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी।